Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सब गला ना मेरा बहुत ज्यादा बैठा हुआ है और ठंडा पानी पीने से भी बाज नहीं आ रही है। चले जी, डिजाइन आ गए हैं बहुत प्यारे प्यारे सूट के। अच्छा, जितना मर्जी महंगा सूट ले लें, जितनी अच्छी मर्जी डिजाइनिंग करवा लें, जब तक प्रॉपर तरीके से सूट को कैरी नहीं किया जाएगा, सूट की टॉर नहीं निकलेगी। कैरी करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपने नाप अपना प्रॉपर परफेक्ट देना है। नाप बहुत टाइट हो, नाप बहुत लूज हो। अच्छा, टाइट तो किसी सूरत में ना ना हो, लूज हो जाए वो अच्छा लगता है, लेकिन टाइट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात जी, आप लोगों ने अपनी बॉडी एनालाइज करनी है कि आप लोगों की बॉडी किस किस्म की है, किस किस्म का डिजाइन उस पर सूट करेगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम जब लॉन वगैरह के सूट पहनते हैं, हम यूं झुक के बैठ जाते हैं। मैंने काफी लड़कियों को देखा है झुक के बैठ जाती है। आसानी होती है हमें यूं पेट ढीला छोड़ के यूं करके बैठने की, लेकिन इससे ना सारे सूट की टॉर खत्म हो जाती है। हमने यूं बैठना है, ये देखे, एक तो कमर के लिए भी अच्छा है और दूसरा सूट प्रॉपर एक ना अच्छी लुक देता है। इससे 19-20 का नहीं, इससे 14-20 का फर्क पड़ जाता है। ये देखिए, यूं बैठना और यूं ढीला होके बैठना। ठीक है जी, चले जी, पहला ये डिजाइन है बहुत खूबसूरत, इसका बाजू बहुत प्यारा है, लाजमी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चले जी, अब आप लोग बारी बारी डिजाइन देखे। सबसे पहला जी ये सूट है, इस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये वाला जो प्रिंट है आप लोगों को हर जगह से मिल जाएगा, टू पीस भी मिल जाएगा। वैसे भी दुपट्टा इसका लग ही नहीं रहा तो, लेकिन जब हम मैच करके पहनेंगे सब कुछ ही लगेगा। ये बाजू है, बाजू बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, घर में पहनने के लिए भी ना दो टाइप के कपड़े होते हैं, एक इस तरह के और एक बिल्कुल ही घिसे हुए। जब अच्छा मूड होता है तो मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, जब मैंने बहुत ही जोन आउट होना होता है फिर मैं बिल्कुल घिसे हुए कपड़े पहनती हूँ। घर में भी दो टाइप के कपड़े होते हैं, अब आप लोग बताइएगा। ये स्लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप लोग लाजमी करवाइएगा। बेशक लॉन के कपड़ों के ना करवाएं, घर आम पहनने वाले के, किसी और के करवाने तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग इसका गला देखें, छोटी छोटी लेसेस लाजमी लिया करें। छोटी छोटी लेसेस से खर्चा बहुत हो खर्चा तो होता ही होता है, लेकिन सूट की टॉर निकल आती है। ये देखें जी, अब आप लोग सूट लगाने का तरीका देख ली, पैनल्स भी डले हुए हैं, कलियां भी डली हुई हैं और साइड पे भी डले हुए हैं और बाजू के ऊपर भी डले हुए हैं। इसके साथ शलवार सिलवाई गई है और वही लेस दुपट्टे के ऊपर भी लगाई है, ताकि पता चले कि दुपट्टा इसी का ही है, किसी और का नहीं, अम्मी का नहीं, उठा के लिया हुआ। अच्छा, पता नहीं किस ब्रांड का मैंने लिया था, ईगो का था, सफायर का था, याद नहीं। उसके बाद जो ये आउटफिट है, मैं ज्यादातर बैंड्स वगैरह इस तरह के गले पहनती नहीं, मुझे लगता है कि मेरा मुंह ना बहुत हैवी लगता है, लेकिन टेलर ने बना दिया, हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टाइल कर लेंगे ताकि ये भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जिनका मुंह थोड़ा सा हैवी होता है, बैंड को किस तरह पहनना चाहिए, उनको हाफ टाई कर लेनी चाहिए, थोड़े से बाल बंधे भी हों लेकिन खुले भी हों, ना पूरे बंधे होने चाहिए ना पूरे खुले होने चाहिए, ठीक हो क्या? अच्छा, इसका मेन डिजाइन है बाजू का, बाजू इसके बहुत खूबसूरत है, ये देखें, बिल्कुल डॉल वाली फील दे रहे हैं। चलो जी, अब आप लोग इसका डिजाइन देखें। अगला है ये ड्रेस, इसका मेन जो डिज़ाइन है सिर्फ बाजू का ही है, आप लोग बाजू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के बाजू पहने बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़ी एलिगेंट सी और डॉल डॉल सी लुक आती है। स्क्रीनशॉट ले लिया। चले, अब आप लोगों ने जितने स्क्रीनशॉट लेने ना, मुझे बताने कि आप लोगों ने कितने स्क्रीनशॉट लिए और कौन कौन बैंड पहनता है, कौन कौन गोल पहनता है, किसका गला बहुत डीप होता है, मतलब डीप इस तरह के, हाँ ये मैंने क्या बोला मतलब कि किस टाइप के आप लोग गले पहनते हैं। ये जी शर्ट की फुल लुक है, ये मेरा ख्याल क्रॉस स्टिच का है, मुझे कहीं से तोहफा आया था मैंने लिया था, चलो कुछ तो था ही, तो अब मैंने ये सिलवा लिया। और जो नीचे फिनिशिंग दी गई है लेस के साथ दी है, ये बाजू। उसके बाद जो ये वाला आउटफिट है, अच्छा कलर एनालाइज आप लोग किया करें कि आप लोग पे कौन सा कलर सूट करता है, इस तरह रख के, ये देखिए हम इसके साथ करते हैं, देखते हैं किस पे ज्यादा लाइट आ रही है, इस पे एकदम देखें, इस पे मुंह ज्यादा खिले, इस पे नहीं, दोनों पे खिल रहा है, इस पे ज्यादा खिले, इस पे थोड़ा डल हो रहा है, इस पे ज्यादा खिल रहा है, एकदम इस पे डल हो रहा है। इसको कहते हैं कलर एनालाइज करना कि आपके ऊपर कौन सा कलर सूट करता है, ठीक है जी। अच्छा, ये आउटफिट है, इसका गला बहुत खूबसूरत है। देखिए, जब इस तरह का पूरा प्रिंटेड सूट हो, उसको थोड़ा सा मॉडर्न टच देना हो, तो हम ये वाला स्टाइल बना सकते हैं। इसके स्लीव्स देखें आप, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट पीस है ये। चलें जी, अब इसका स्टाइल देखें आप लोग, इसके बाजू चेक कर रहे हैं, ओहो हो हो, कमाल, पहने हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे। आप लोग लाजमी इस तरह के बाजू बनवाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लें जी, स्क्रीनशॉट तो समझ लेनी, तो दर्जी ने भेज देना, ओ एक बार सर फड़ के बैठूंगा फिर कपड़ा फड़ के बैठूंगा ये इसका गला है,
गला भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एक ही प्रिंट का ना फुल आउटफिट मुझे लगता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर इस तरह हल्का सा ब्रेक दे दिया जाए ना गले के ऊपर, तो बड़ा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसका आ गया ट्राउज़र। ट्राउज़र के नीचे टिश्यू लगा के डबल करके नीचे लेस सिलाइयाँ, और इस पर जी गोल कटवर्क किया हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक हो गया, अब इसके दुपट्टा की बारी आ जाती है। अच्छा, दुपट्टा लग ही नहीं रहा इसके साथ का, तो इसको हमने लगाने के लिए हमने शर्ट के छोटे छोटे बॉल्स बना के लगा दिए दुपट्टे के ऊपर, ताकि अगर कोई हेल्पर वगैरह घर में कोई भी रखता है हमारे कपड़े, तो उसको पता ही नहीं चलता किसी का दुपट्टा किसी के साथ लगा देती है, किसी का दुपट्टा किसी के साथ लगा देती है। इसलिए एक बेहतरीन तरीका ये होता है बॉल्स बना के उसके लगा दो दुपट्टे पे। इसके मुझे स्लीव्स बड़े अच्छे लगे थे, मैंने कहा इसको मैं पहन के देखती हूँ। बाकी मैंने कोई भी आउटफिट अभी पहन के नहीं देखा था, मैंने कहा जब पहनूंगी आप लोगों को साथ से इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी। आप इसके ना देखिए, आप लोग ट्राउजर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे स्टाइल से बड़ी अच्छी अच्छी लुक आ जाती है, वरना सीधा सा सिंपल सा ड्रेस था। इसके स्लीव्स देखिए कितने खूबसूरत है, बाजू कह रही हूँ ये जो दुपट्टे के बॉल्स छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। उसके बाद जी ये देखिए, ये आउटफिट है, सिंपल से स्लीव्स हैं, सिंपल सा गला है, कोई ज्यादा फैंसी नहीं। लेस इस तरह की बारीक बारीक आप लोग लाजमी लिया करें लॉन के साथ लगाने के लिए, सिंपल सिंपल बारीक बारीक। ये देखिए, ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती, लेकिन सूट की टॉर यूं निकाल देती है। चलें जी, अब इसको देख लें आप लोग। ये जी बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हमारा टेलर नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? जो टेलर इस तरह के नखरे करते हैं उनसे आप लोग सिलवाया ही ना करें। टेलर का काम ही होता है कि सूट को खूबसूरत बनाना, जो डिज़ाइन उनको कहा जाए वो बनाना। अगर कोई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस वो ले लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन बनाना उसका काम है। इसलिए जो टेलर नखरे करे, सुस्ती करे, उसको चेंज करना, पहली फुर्सत में चेंज कर लेना चाहिए। ये आप लोग देखें जी, लेस सबसे पहले फुल ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर थ्री लेसेस डिफरेंट डिफरेंट ये करवा लिया। आप लोग एक लेस भी रख सकते हैं, डिफरेंट लेस भी रख सकते हैं। ये इसके ट्राउज़र के ऊपर भी इसी तरह का पैटर्न बना लिए, ठीक है जी। और इसके दुपट्टे पे मैं आप लोग को दुपट्टा आप दिखाती हूँ, ये देखें जी, एक मिनट, ये देखें, ये छोटे छोटे पर्ल्स लगवा लिए। और दुपट्टे को उठा के भी नीचे से दिखाती हूँ कि किस तरह इसके ऊपर कटवर्क किया गया है, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करने से ना सूट कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं, और पहना वो भी बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद जी ये आउटफिट है, बहुत ही डिसेंट सा, इधर सिलाइयाँ हैं, इधर चुनटे हैं, और इसके कुछ इस तरह के बाजू हैं, और दोनों साइड्स पे लेस लगी हुई ताकि अंदर की तरफ कमर लगे, ठीक है। ये सब टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी, कहाँ लेस लगानी है जिससे पतली लुक आए, कौन सा प्रिंट पहनना है जिससे पतली लुक आए, कौन सा कलर पहनना है जिससे पतली लुक आए। अपनी बॉडी को एनालाइज किया करें, बड़ा मज़ा आता है इस तरह। कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इंसान पे सूट करे, मेरे पे भी हर चीज़ सूट नहीं करती, मुझे भी हर चीज़ सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। बहुत से कपड़े ऐसे होते ले लेती हूँ लेकिन सूट नहीं करते, फिर मैं नहीं पहनती, क्या कर सकते हैं हम, पहनती वो जो सूट करे। चले जी, इसका डिज़ाइन देखिए, ये देखिए जी, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत खूबसूरत कलर है, और गला इस तरह इसका छोटा सा बैंड रख दिया है, लेकिन हम इसको स्टाइल कर लेंगे। मैं बैंड बहुत कम पहनती हूँ, मेरा एक तो दम घुटता है, दूसरा मुझे लगता है कि शायद मेरे पे सूट नहीं करता, लेकिन जब प्रॉपर स्टाइल करके पहना जाए तो कर जाता है सूट। लेकिन हमेशा मुझे ये होता है कि मैं वो वाली चीज़ पहनूँ जिसको मेहनत ना करनी पड़े स्टाइल करने, बस पहनूँ और वो अच्छा लगे। अब जी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले जी गले के साथ ये चार चार सिलाई हैं, उसके बाद चुनटे डाली गई हैं, फिर बाजू का स्टाइल है। इस तरह हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को सेम एज इट इज़ सिलवाने में मसला ना हो, टेलर देख के फ़ौरन सी देगा। ये देखें जी, लेस भी इधर लगाई गई है अंडर आर्म से लेकर नीचे तक, इससे ना बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी सिमटी हुई सी लुक आती है। ये दूसरा आ गया। चले जी, अब देखते हैं अगला आउटफिट। ये दुपट्टा भी देख लें, इसके ऊपर भी बारीक सी लेस लगाई है। उसके बाद ये ब्लू आ जाता है, इसके स्लीव्स भी बहुत प्यारे हैं। ये देखिए, जो आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा ना वीडियो में, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चले जी, अब इसका स्टाइल देख लें, बिल्कुल सिंपल सिंपल आउटफिट्स हैं। आप लोग कहीं से भी टू पीस ले सकते हैं, कहीं से मैचिंग चैचिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ऊपर जी लेस लगाई गई है, सिलाइयाँ लगाई गई हैं, दुपट्टे के ऊपर भी लेस लगाई गई है नीचे तक। ये देखें जी, पैनल सा बना के, क्योंकि एक ही पैटर्न आता था ना, आपकी बॉडी को थोड़ा सा चबी दिखाता है। आप लोग को सेक्शंस बनाने ज़रूरी होते हैं बॉडी को ना बड़ा अच्छा सा सिमेट्री में दिखाने के लिए, ये भी एक टेक्निक होती है। अच्छा, आप लोग बाजू को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखें, इस तरह भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आप लोगों को क्लोजअप भी बाजू का दिखाती हूँ। ये जी बाजू का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, सबसे पहले ट्विस्ट करके कपड़े को लगाया गया है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं माउंटेन्स बनाए गए हैं, फिर लूप्स बनाए गए हैं, फिर आ गया जी फर वाला कपड़ा,
और ये आ गया इसका दुपट्टा, इसके ऊपर भी लेस फिनिशिंग के लिए। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे बताइएगा आप लोगों ने कितने स्क्रीनशॉट्स लिए, नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। आऊंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं ना कलर एनालाइज कर रही थी, जिस तरह आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, किस में आपका कलर डल लगता है वो आप लोग बताइएगा। एक ये, इसमें मुझे डल नहीं लग रहा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरा कलर डल हो गया ना, इसमें लाइट को चेंज होते हैं आपने देखा। आप लोगों ने ये कभी कलर एनालाइज तो मुझे लाजमी बताइएगा।